हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। प्लेस इज वाटी आईएसबीटी। एक और ट्रैवल ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और इस बार हम जाने वाले फ्रॉम गुवाहाटी टू यहाँ पे विश्वनाथ चराली। तो आज सुबह ही मैं आया था अभी यहाँ पे तिनसुकिया से गुवाहाटी। कल रात को मैंने स्लम्बर 37 में जो नया लॉन्च हुआ था ना बस वो उसमें जर्नी किया था भारत बेंच का। अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना। खैर, आज हम ट्रैवल करने वाले ओरियन ट्रांसलाइन में। बेसिकली क्या था कि मेरा जो बस था ना डेडीज 11 बजे के आसपास था, बट वो कैंसिल हो गया। बट जिस बस में मैं जाना चाहता हूँ वो बस अभी 12 बजे जा रहे हैं ओरियन ट्रांसलाइन के काफ़ी सारे बसेस है। तो फिर मैंने बुक करा लिया, मतलब वहाँ से कॉल आया तो मैंने बुक करा लिया यहाँ पर 2 बजे का बस। तो उसमें हम गुवाहाटी से विश्वनाथ चराली ट्रैवल करेंगे। अब देखते कौन सा वाला बस आता है। एक नया बस तो आया हुआ है लेकिन वो भी आई गेस 1 साल लगभग हो गया उनके फ्लीट में आया हुआ, लगभग आई गेस 6 महीना या 1 साल हो गया। एक भारत बेंच का लेट सी, उसमें शायद हम जर्नी करेंगे। बोर्डिंग पॉइंट है यहाँ पे खाना परा से, लेकिन अभी मैंने स्टाफ से बात किया, मतलब जो 12 बजे वाला ओरिएंट बस का स्टाफ, उसने कहा कि बस यहीं पे आ जाएगा तो यहीं से बोर्ड कर लेना। तो अभी देखते कब आता है बस, कब हम बोर्ड करेंगे या फिर खाना परा ही जाना पड़ेगा। लेट सी। गुवाहाटी टू विश्वनाथ चराली, अगेन ये मेरा अली फर्स्ट टाइम होने वाला है। गुवाहाटी टू तेजपुर में गया था, जो रूट है वही है सेम, यहाँ से नौगांव तेजपुर होते हुए हम विश्वनाथ चराली जाएंगे। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ बस ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स लाने के लिए, अलग अलग बस जर्नीज, ट्रेन जर्नीज काफ़ी सारे आने वाले टाइम में। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ मुझे इंस्टा एंड फेसबुक दोनों पर फॉलो करना। फेसबुक पर भी वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। और यस, ऑब्वियसली ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करना जिनको बस जर्नीस वगैरह पसंद है। इस बस के बारे में बात कर रहा था, ये वो बस इसमें मैं ट्रैवल करना चाहता था, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब ब्लैक कलर का अमेजिंग लगता है। थोड़ी देर के ही ले सही, बट अब तो खाना परा तक मैं इस बस में जा रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बस होने वाला है उसमें मैं जाने वाला हूँ। तो ओरिएंट का ही था तो इन्होंने चलो बोल दिया तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे 12:30 इन द आफ्टरनून हो रहा है। तो देखो गाइस क्या ज़बरदस्त ट्रैफिक है भाई साहब, दिन के टाइम में तो ट्रैफिक मिलेगा ही। गाइस 1 PM आई हैव रीच्ड खाना परा, अब मैं अपनी नेक्स्ट बस में। सो गाइस दिस इज आवर बस, ये आ चुका है ना। मेरे को ओरिएंट वाला ब्लैक वाला मिला, जो नया वाला था वो भी नहीं मिला, जो अगर आप देखोगे ग्रीन वाला था। तो फिर कोई नहीं, इसी में आज जर्नी करना पड़ेगा। तो मैं आपको अंदर चल के इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ। मैंने अपना बैग अंदर रख दिया है, अभी 1:15 हो रहा है, 2 बजे यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि ना मुझे नया वाला मिला ब्लैक वाला, ना मुझे वो ग्रीन वाला मिला। तो फिर कोई नहीं, ये थोड़ा पुराना वाला है, इसके सीट्स वगैरह मैंने अभी चेक किए हुए। कंपेयर टू उसमें मैं आया ना वहाँ से ISBT से, तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस लगा। तो मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे विश्वनाथ चराली 220 किलोमीटर, तो लेट सी कितने बजे तक पहुँचते, मे भी 7 बजे के आसपास पहुँचेंगे। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बस, 2x1 का कम्बिनेशन है, AC वगैरह यहाँ पर सब चल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे ठीक है, पुश पुल है तो, लेकिन उसके हिसाब से तो ये वाला मतलब माई सीट, दिस वन इज़ द केबिन। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में AC के डक्स, लाइट्स वगैरह लगे हुए, फ़ैन भी है। तो ओवरऑल इंटीरियर ही ठीक ठाक है, वही है जैसे कि मैंने कहा ना पुराना वाला है ये बस। वो जो दो बसेस थे बोथ ब्लैक एंड ग्रीन वाले, वो दोनों न्यू बस थे। एक तो भारत रेंज वाला था, तो उसमें तो चार्जिंग सॉकेट भी था, इसमें तो पता नहीं यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा गाइस चार्जिंग सॉकेट इस चेयर यहाँ पे दिया गया, चलो अच्छी बात है। 2:10 इन द आफ्टरनून गाइस, तो फाइनली हम निकल चुके हैं खाना परा से। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा 10 मिनट इसलिए लेट हुआ बिकॉज पैसेंजर्स नहीं आए हुए थे ना, तो इसलिए। तो फिर कोई नहीं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे रूट की अगर मैं बात करूँ तो एज ए टोल्ड यू ऑलरेडी, तो वही रूट होने वाला जागी रोड होते हुए हम नौगांव होते हुए, वो जो नौगांव बाईपास है ना, वो नौगांव बाईपास होते हुए तेजपुर देन विश्वनाथ चराली। अब लेट सी कहाँ पे, यहाँ पे 320 को नीलकंठ में रुकने वाला।
इस रूट में गाइस आप लोगों को काफ़ी सारे बसेस मिलेंगे, बोथ डे एंड नाइट दोनों मिलेंगे। बट अगर आप देखोगे ज़्यादातर ओरिएंट एंड यात्रा के नाइट में मिलेंगे, ओरिएंट के सारे बसेस आपको डे में मिलेंगे। आई गेस 10 बजे से शुरुआत होता है, इट इज़ द लास्ट बस। कम से कम 3-4 बसेस तो है ही ओरिएंट के, तो ऑब्वियसली डे ट्रैवल के लिए ठीक ठाक है। बाकी टिकट फेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एसी वाले में 479, नॉन एसी में थोड़े से कम है। तो टोटल रेड बस से मैंने बुक किया हुआ था, सब मिलाया के अगर आप देखोगे टोटल टिकट हो गया प्राइस आई गेस यहाँ पे 500 रुपीज़ लगा, तो 420 किलोमीटर इट इज़ 500 रुपीज़। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल टैक्स। ये कौन सा वाला टोल टैक्स है आई डोंट नो, बट यस जब आप गुवाहाटी से आओगे तो यहाँ पे ये टोल टैक्स मिलता है। थ्री टेन इन द इवनिंग गाइस, वी हैव क्रॉस्ड नाउ जागी रोड। तो जागी रोड हम पहुँच चुके हैं, लेट्स सी कहाँ पे अभी रुकना होता है। अभी तो क्या कहेंगे स्नैक्स के लिए, लंच टाइम भी यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। फाइनली हम पहुँचे नौगम। बेसिकली बाईपास जो है ना वहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ से अभी अगर आपके मेरे तेजपुर के लिए कट, तो इधर जाने वाला है तिनसुकिया डिब्रूगढ़ और इधर हमने लिया है तेजपुर विश्वनाथ चढ़ाली। केविन भी दिखाऊंगा बोल रहा था, पूरे लोग यहाँ पे आ गए। फोर फोर्टी इन द इवनिंग, तो फाइनली गाइज हमने ब्रेक लिया हुआ यहाँ पे, देखते स्नैक्स ब्रेक्स कुछ खा लेते भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त भूख लगा है। होटल इज होटल नीलखंड, ये पिछले बार भी जब मैं गुवाहाटी से तेजपुर आया था ना तब इसी होटल में रुका हुआ था, तो इसका खाना अच्छा रहता है। दिस इज़ द राइस थाली, यही मुझे आसाम का सबसे बेस्ट लगता है। आपको देखो कितने तरह के यहाँ पे दाल चटनी सब्जी यहाँ पे मिल रहा है, ये पूरा आई गेस 90 रुपीज़ है। तो फटाफट इसको ख़त्म कर देते भाई साहब, ज़बरदस्त सो ज़बरदस्त भूख लग रहा है। यहाँ पे खाना ख़त्म कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो 5 in the evening गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ पे। मैंने जैसे कि बोला आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लिया था राइस थाली, इट वॉज वाइट क्रूड, ठीक ठाक था, वेज थाली था। जैसे कि अगर आप देखोगे 90 रुपीज़ था, जितने बार मतलब जब तक आपका पेट नहीं भर जाता तब तक आप खा सकते हो, और पानी बोतल तो टोटल 100 रुपीज़ था। तो अब यहाँ से हम निकल चुके, यहाँ से अगर आप थोड़ी देर में अगर आप देखोगे हम तेजपुर पहुँचने वाले, देन उसके बाद आई गेस तेजपुर के बाद हम विश्वनाथ चराली पहुँच जाएंगे। यहाँ से विश्वनाथ चराली है गाइस लगभग 71 किलोमीटर। सो फार जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो ये साइड से ठीक ठाक ही है, कंफर्टेबल की अगर मामले में मैं बात करूँ तो हाँ थोड़ा बहुत जर्क यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि जर्क नहीं हो रहा है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल तो है, ऐसा नहीं कि पूरा ही अनकम्फर्टेबल है। तो जर्नी ठीक ठाक ही चल रहा है यहाँ पे। वैसे अभी हम पहुँचे यहाँ पे कोयलाबर तिनाली। सो दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर, काफ़ी अमेजिंग है। शाम के टाइम में मैं आया हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगाया हुआ है। बट ये आपको बता दूँ ये सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज है आई थिंक आसाम में जितने भी ब्रिजेस है ब्रह्मपुत्र के ऊपर।
5:45 इन द इवनिंग गाइस। सो ये रीच्ड तेजपुर, शायद हम लोग तेजपुर के आउटर से जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो विश्वनाथ चौराहे जी, स्टिल 45 किलोमीटर, अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा के आसपास हम पहुँचेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखो बस पूरी तरीके से यहाँ पे खाली हो चुका है। सेवन फिफ्टीन इन द इवनिंग गाइस। सो वी हैव रीच्ड नाउ विश्वनाथ चौराहे। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे विश्वनाथ चौराहे का रेलवे स्टेशन। मेरा ट्रेन है रात के 11:30 बजे। सो यस, ऑब्वियसली अभी मैं गुवाहाटी जाऊँगा यहाँ से। तो जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो इन ओरियन ट्रेवल्स ठीक ठाक था। वही अगर ब्लैक वाले में आता तो डे में दिखा पाता था, लेकिन अंधेरा हो गया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि डे में जर्नी करने के लिए। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।